Assalamualaikum, my name is Abdul Karim और आज के इस वीडियो में हम डायमंड ऑफ स्टार को प्रिंट करवाएंगे असेंबली लैंग्वेज के थ्रू। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दूसरी चीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगती तो आप इसे डिसलाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं या नहीं लगती। सबसे पहले हम इसका पैटर्न देखते हैं कि डायमंड किस हिसाब से प्रिंट होगा। तो मैंने यहाँ पे अपेंड में कुछ इसका तरीका बनाया हुआ है कि डायमंड किस हिसाब से प्रिंट होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस डायमंड को, यहाँ पे ये जो बना हुआ है डायमंड, तो ये डायमंड कुछ इस हिसाब से है कि इसमें दो चीजें हैं। अगर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये ट्राइंगल ऑफ स्टार प्रिंट हुई है, सही है, लेकिन ये सीधी ट्राइंगल ऑफ स्टार है। फर्स्ट में तीन स्टार प्रिंट हो रहे हैं, एक स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर तीन स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर पांच स्टार प्रिंट हो रहे हैं और फिर सात स्टार प्रिंट हो रहे हैं। अगर हम इसको नीचे लेके आए यहाँ तक देखें तो यहाँ पे वही ट्राइंगल उल्टी प्रिंट हुई हुई है। यहाँ पे पहले सात स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर पांच स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर तीन स्टार प्रिंट हो रहे हैं और लास्ट में एक स्टार प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने ये सीधे ट्राइंगल प्रिंट करनी है और उसके बाद हमने नीचे उल्टी ट्राइंगल प्रिंट करनी है ताकि ये डायमंड बन जाए, सही है। तो सीधी ट्राइंगल को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल इसमें तीन लूप लगाने पड़ेंगे असेंबली लैंग्वेज में। फर्स्ट हमारा आउटर लूप होगा और उसके अंदर दो लूप होंगे। आउटर लूप हमारा क्या करेगा, अंदर वाले लूप्स को चलाएगा और साथ में न्यू लाइन प्रिंट करेगा, और जो इनर दो लूप होंगे उनका काम होगा, एक का काम होगा स्पेस प्रिंट करना, सही है। यहाँ पे सबसे पहले स्पेस प्रिंट होंगे, सही है, थोड़े स्पेस उसके साथ में प्रिंट नहीं हो रहे लेकिन मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी है स्पेस प्रिंट होंगे, और उसके बाद ये एक स्टार प्रिंट होगा, देन न्यू लाइन आएगी, सही है। यानी ये स्पेस प्रिंट कराने के लिए एक लूप चाहिए और स्टार को प्रिंट कराने के लिए एक लूप चाहिए, और आउटर लूप क्या करेगा, न्यू लाइन प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा वही लूप चलेगा और यहाँ पे फिर स्पेस प्रिंट होंगे, स्पेस लेकिन प्रिंट होंगे उससे एक कम स्पेस प्रिंट होगा, ऊपर वाले जो स्पेस है उससे एक कम प्रिंट होगा, यानी नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप वही लूप एग्जीक्यूट हो तो एक स्पेस कम प्रिंट हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लॉजिक लगानी पड़ेगी। फिर और ये जो स्टार है वो दो इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए भी हमें लॉजिक लगानी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, जो लूप होगा उसमें फर्स्ट टाइम एक स्टार प्रिंट होगा, सेकंड टाइम हम उसके अंदर कोई ऐसी चीज ऐड करेंगे ताकि वो तीन स्टार हो जाए, फिर ऐड करेंगे ताकि वो फाइव हो जाए, फिर ऐड करेंगे ताकि सात हो जाए, और इनको हम एक एक डिक्रीज करते आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी लॉजिक है, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टिव सेक्शन से शुरू करते हैं, डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डेटा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आप फिक्र नहीं करें, थोड़ा कॉन्शियस रहें। तो सबसे पहले हमें दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, एक स्पेस को प्रिंट कराने के लिए और एक ट्राइंगल एक स्टार को प्रिंट करवाने के लिए और एक स्पेस को प्रिंट करवाने के लिए। तो मैं स्पेस को प्रिंट करवाने के लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ स्पेस, इसकी साइज में डीडब्ल्यू कर देता हूँ और इसकी इसमें मैं डेटा दे देता हूँ 11, यानी फर्स्ट टाइम जो स्पेस प्रिंट होगा वो 11 स्पेस प्रिंट होंगे, सही है, ओके। फिर मैं स्टार को प्रिंट करवाने के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम भी मैं स्टार देता हूँ, और इसके अंदर मैं 1 मूव करवाता हूँ, यानी इसकी वैल्यू 1 है स्टार की, स्टार वेरिएबल की। तो फर्स्ट टाइम 1 स्टार प्रिंट होगा, ठीक है, आप इस लॉजिक को जरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मेन प्रॉक, ओके, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इंट मेन और इंट पी, ओके। तो ये हमारी क्या हो गई, टोटल हमारा प्रोग्राम हो गया जिसको हम बनाएंगे इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक आउटर लूप की जरूरत पड़ेगी जिसको मैं पहले ही लगा देता हूं, इसका नाम कर देता हूं आउटर
आउटर, ओके। और यहाँ को इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ आउटर, ओके। और ये लूप हमारा कितनी दफा चलना चाहिए, सपोज मैं सी एक्स में मूव कर देता हूँ 7, तो आउटर लूप हमारा 7 दफा चलना चाहिए, ठीक है। यानी जो ट्राइंगल की लेंथ होगी, यानी जो उसमें लाइंस होंगी वो 7 लाइंस होंगी, ओके। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लूप लगाने पड़ेंगे, एक किस चीज के लिए, एक स्पेस प्रिंट करवाने के लिए और एक लूप स्टार प्रिंट करवाने के लिए। तो 2 लूप लगाता हूं मैं, एक लगा लेता हूं एल, जिसको मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं, इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे और इसकी लॉजिक मैं आपको बताता हूं। दूसरा मैं लूप डिफाइन कर देता हूं लूप के, और इसको मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है और इसके अंदर भी हमने कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या स्पेस प्रिंट हो, तो ये जो वैल्यू है सी एक्स में 7, उसको हमने कहीं पे स्टोर करवाना है ताकि हम इस सी एक्स को दोबारा जाके वैल्यू दें, क्योंकि सी एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी यूज होनी है तो ये ओवरराइट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको नेस्टेड लूप में बताया था। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ बी एक्स को सी एक्स की वैल्यू, जो हमारी महफूज होगी। और अब मैं मूव करवाता हूं सी एक्स के अंदर, मूव सी एक्स के अंदर स्पेस, यानी स्पेस क्या, स्पेस में वैल्यू क्या 11। तो फर्स्ट टाइम जो स्पेस प्रिंट होगा वो 11 दफा प्रिंट होगा, ठीक है। इसकी मैं कोडिंग करता हूं यहाँ पे, थोड़ा इसको सही से लिख लूं मैं, मूव डी एल में हम मूव करवाते हैं। देखें स्पेस के लिए क्या कोडिंग है, स्पेस के लिए 32 है, तो डी एल में मैं 32 मूव करवाता हूँ। और मूव ए एच सर्विस रूटीन 02, ठीक है, और इंटरप्ट 21H, ठीक है। ये यहां तक हो गया, ये क्या करेगा, स्टार को प्रिंट करवाएगा, सॉरी स्पेस को प्रिंट करवाएगा। जैसे ही स्पेस प्रिंट हो, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर डिक्रीमेंट आ जाए, यानी एक स्पेस कम हो जाए, यानी नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चले तो ये जो स्पेस की वैल्यू है वो एक कम हो जाए, यानी स्पेस की वैल्यू 10 हो जाए, यानी नेक्स्ट टाइम ये लूप 10 दफा चले, तो मैं डिक्रीमेंट कर देता हूं स्पेस को, सही है। स्पेस एक दफा कम हो गया, सही है। स्पेस की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 10। नेक्स्ट टाइम जब आउटर लूप चलेगा तो ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, 10 दफा, ओके। यहां तक कोडिंग मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार को प्रिंट करवाने के लिए कोडिंग करते हैं। तो मैं मूव करता हूं डीएल के अंदर स्टार को, ठीक है, स्टार, ओके। और मूव करता हूं एएच में 02 और इंटरप्ट 21H, सही है, ये स्टार को प्रिंट करवाने के लिए। और नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चले, फर्स्ट टाइम तो ये कितने स्टार प्रिंट होंगे, एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चले तो इन स्टार्स की तादाद कितनी हो जानी चाहिए, 3 हो जानी चाहिए, तो हम इनको इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीमेंट किस चीज में, स्टार में, ठीक है। स्टार क्या है, स्टार है यहाँ पे जो हमने सी एक्स में मूव किया है स्टार को, यानी इस सी एक्स में स्टार मूव होगा, यानी 1 मूव होगा, ये लूप फर्स्ट टाइम 1 दफा चलेगा और एक स्टार को प्रिंट करवाएगा। दोबारा इंक्रीमेंट होगी तो स्टार 2 हो जाएंगे, लेकिन हमने इन स्टार को 3 दफा प्रिंट करवाना है, तो इन स्टार को हमने 2 दफा इंक्रीमेंट करना है। या आप यहाँ पे दूसरी कोडिंग भी कर सकते हैं, आप ऐड कर दें, ऐड स्पेस के अंदर 2, ठीक है, तो हर दफा 2 ऐड होते जाएंगे। तो फर्स्ट दफा एक प्रिंट हुआ स्टार, सेकंड टाइम जब आउटर लूप चलेगा तो 3 स्टार प्रिंट होंगे, फिर 5 स्टार प्रिंट होंगे, फिर 7 स्टार प्रिंट होंगे, तो इस हिसाब से हर दफा 2 ऐड होते जाएंगे, तो ये ऑड नंबर के स्टार्स प्रिंट होते जाएंगे, ठीक है। यहां तक कोडिंग आपको समझ में आई है, एक दफा मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं। सी एक्स में 7 मूव होगा, यानी आउटर लूप 7 दफा चलेगा, फिर हमने इसकी वैल्यू को क्या कर लिया, स्टोर कहीं पे स्टोर कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू को हमने कहाँ पे, कहीं पे स्टोर कर दिया, यानी बी एक्स के अंदर ये वैल्यू महफूज हो गई है। सी एक्स के अंदर हमने स्पेस को मूव किया जो 11 है, तो 11 दफा स्पेस प्रिंट होगा। उसके बाद हमने स्पेस को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो स्पेस की वैल्यू 10 हो गई, यानी नेक्स्ट टाइम जब ये ऊपर वाला लूप चलेगा तो ये 10 दफा स्पेस प्रिंट होगा, फिर दोबारा चलेगा तो स्पेस की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो ये 9 दफा स्पेस प्रिंट होगा, फिर 8 दफा, इस हिसाब से ये डिक्रीज होता आएगा।
फिर हमने cx में स्टार मूव कर दिया यानी 1, तो ये लूप जो चलेगा वो एक दफा चलेगा और एक स्टार प्रिंट करवाएगा यानी 11 स्पेस उसके बाद एक स्टार। फिर हमने इसको दो दफा इंक्रीज कर दिया यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई स्टार की, स्टार की वैल्यू 3 हो गई। नेक्स्ट टाइम आउटर लूप चलेगा तो ये स्टार 3 दफा प्रिंट होंगे, ठीक है। तो यहां तक ये कोडिंग क्लियर होगी। अब हमने क्या करना है कि आउटर लूप में जैसे ही आए तो इसके अंदर न्यू लाइन प्रिंट हो, ठीक है। तो न्यू लाइन प्रिंट करवाने के लिए हम मूव करते हैं डीएल के अंदर 0 ah और इसको प्रिंट करवा लेते हैं, मूव ah 02 और इंटरप्ट 21h, सही है। ये क्या करेगा, न्यू लाइन प्रिंट करेगा और कैरेज रिटर्न के लिए हम रोल वी और दोबारा कैरेज रिटर्न के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं DH, जो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, सही है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में हमने CX की वैल्यू से रिटर्न करनी है। तो हम क्या करेंगे, मूव CX के अंदर जो हमने BX में वैल्यू स्टोर की थी दोबारा वो रिटर्न हो जाए इसके पास, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्राइंगल, सीधी ट्राइंगल को प्रिंट करवाने का प्रोग्राम है। तो इसको हम रन करके देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं। तो मैं अब इसको रन करता हूँ, देखते हैं हम कि सही प्रिंट हो रहे हैं स्टार या नहीं, कहीं पे लॉजिकल एरर तो नहीं होगी। देखिए स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, स्टार्स की ट्राइंगल सीधी प्रिंट हो गई है। अब हमारा दूसरा काम है कि हमने इस ट्राइंगल को उल्टा प्रिंट करना है। तो ट्राइंगल को उल्टा प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टार है हमारे वो सबसे पहले कितने प्रिंट हो, सपोज करें कि हमने 7 मूव किया तो सबसे पहले 13 स्टार प्रिंट होने चाहिए, उसके बाद 11 स्टार प्रिंट होने चाहिए, उसके बाद 9 स्टार प्रिंट होने चाहिए, उसके बाद 7 स्टार प्रिंट होने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं इस पूरी कोडिंग को कॉपी करता हूं, ठीक है। हमें कुछ थोड़ी सी इस कोडिंग में चेंजिंग करनी पड़ेगी। मैं इस पूरी कोडिंग को कॉपी करने के बाद आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो कॉपी करते हैं कोडिंग को। अच्छा, कोडिंग को मैंने कर लिया है कॉपी। अब मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूं। कहां पे पेस्ट करना पड़ेगा, मुझे इस आउटर लूप के बाद पेस्ट करना पड़ेगा ताकि क्या हो कि वो पूरी सीधी ट्राइंगल प्रिंट होने के बाद उल्टी ट्राइंगल प्रिंट हो जाए। देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। कहां तक है, ये आउटर लूप था, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे कोडिंग है यहां तक, सही है। ये कोडिंग है किस चीज की, उल्टी ट्राइंगल को प्रिंट करवाने के लिए। लेकिन ये कोडिंग तो फिर भी सीधी ट्राइंगल प्रिंट करेगी, तो उस उल्टी ट्राइंगल को प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर हम इसको इम्यूलेट करेंगे तो एरर आएगी, क्योंकि हमने जो वेरिएबल्स हैं वो सेम यूज किए हुए हैं, तो डुप्लीकेट वेरिएबल्स आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स और बनाने पड़ेंगे, यानी स्पेस और ट्राइंगल के वेरिएबल और बनाने पड़ेंगे। तो मैं इनको कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैं नीचे पेस्ट करता हूं इनको, स्पेस ट्राइंगल, और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। और इन वेरिएबल्स को मैं क्या करता हूं, ये स्पेस 1 वेरिएबल कर देता हूं मैं, और ये स्टार 1 वेरिएबल कर देता हूं ताकि ये डिफरेंट हो जाए। और यहां पे मैं स्पेस को 1 कर देता हूं और स्टार्स को कर देता हूं 30। अगर आप काउंट करेंगे तो जो लास्ट लाइन है सीधी ट्राइंगल की वो 13 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, आप एक दफा उसको चेक कर लीजिएगा। अब हमने क्या करना है कि इस जो सेकंड हमने लूप लगाया है उसमें चेंजिंग करनी है, यानी यहां से लेकर वहां तक। तो सबसे पहले अगर हम आउटर को चेंज नहीं करते तो ये भी डुप्लीकेशन की गलती आएगी। तो हमने आउटर को चेंज कर दिया आउटर 1, तो नीचे भी मैं कर देता हूं आउटर 1, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, इस स्पेस को चेंज करना है, क्योंकि स्पेस के अंदर स्पेस 1 आए, यानी स्पेस की वैल्यू 1 आएगी तो फर्स्ट टाइम 1 स्पेस प्रिंट होगा, क्योंकि हमने उल्टी ट्राइंगल प्रिंट करनी है और स्पेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 प्रिंट होने के बाद इंक्रीज होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, ठीक है। और CX के अंदर स्टार 1 मूव होना चाहिए, यानी CX के अंदर स्टार 1 मूव होगा तो फर्स्ट टाइम 13 स्टार प्रिंट होंगे। जब 13 स्टार प्रिंट होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो दफा इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट टाइम हमारे 11 स्टार प्रिंट होने चाहिए। और लूप एल है तो इसको हम L1 करेंगे ताकि डुप्लीकेशन की एरर ना आए। और उसके अलावा
यहाँ पे जो k है लूप है इसको भी हमें k1 करना पड़ेगा ताकि डुप्लीकेशन की एरर ना आए, ये भी k1, और इंक्रीज स्पेस नहीं स्पेस 1 और डिक्रीज स्टार नहीं स्टार 1 क्योंकि ठीक है, यानी जो हमने दूसरे वेरिएबल बनाए हैं वो डिक्रीज हो। ठीक है, अब देखिए इसका पैटर्न बनता है कि नहीं, अगर पैटर्न बन रहा है उसके बाद हम इसको जोड़ देंगे ताकि स्पेस वगैरह कम हो रहे हैं तो उनको हम सही कर देंगे। ओके, अब देखिए इसका पैटर्न बिल्कुल सही बन रहा है क्योंकि हमने ऊपर वाले स्टार वेरिएबल को डिक्रीज कर दिया था। अब इसका पैटर्न बिल्कुल सही बन रहा है लेकिन यहाँ पे स्पेस एक है और यहाँ पे स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5, तकरीबन 5 स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो हमने स्पेस के अंदर 5 मूव करना है ताकि ये जो स्पेस है ये भी 5 प्रिंट हो और ये ट्राइंगल इसके बिल्कुल नीचे आ जाए और डायमंड बन जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड लूप चल रहा है हमारा इसके अंदर स्पेस कितने मूव हो रहा है, 1 मूव हो रहा है जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ये स्पेस कितने मूव हो रहा है, 1 मूव हो रहा है, तो हमें इसको 5 करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम 5 स्पेस प्रिंट होगा, फिर एक इंक्रीज होगा 6 7, और इस हिसाब से स्पेस हमारे प्रिंट होंगे। ठीक है, ये देखें यहां से कोडिंग है पूरी किस चीज के लिए, उल्टा डायमंड उल्टी ट्राइंगल को प्रिंट करवाने के लिए ये वाली कोडिंग है हमारी। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, रन करता हूं मैं, देखिएगा कि हमारा डायमंड बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखें स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं तो यहां तक हमारी सीधी ट्राइंगल प्रिंट होगी, अब हमारी उल्टी ट्राइंगल प्रिंट हो रही है। ठीक है, उल्टी ट्राइंगल जब प्रिंट हो रही है तो ये पूरा का पूरा हमारा डायमंड बन गया, सही है, पूरा डायमंड बन गया। तो ये था हमारा डायमंड का प्रोग्राम। अगर आपको कोडिंग समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या आप फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और उसके अलावा ये प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो एक दफा मैं आपको ये पूरा प्रोग्राम दिखा दूं ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, हमारी कोडिंग यहां से शुरू हो रही है, आप पूरी कोडिंग को नोट कर लें। अगर आपको ये कोडिंग समझ में नहीं आई तो एक दफा इस कोडिंग पूरी को आप पेज पे जरूर लिखिएगा। ठीक है, पेज पे आप लिखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगी। पेज पे लिखने के बाद आप इसको मैन्युअली करें, उसके बाद आप समझिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये कोडिंग है, यहां तक कोडिंग है सीधी ट्राइंगल को प्रिंट करवाने के लिए और उसके बाद उल्टी ट्राइंगल को प्रिंट करवाने के लिए कोडिंग यहां से स्टार्ट हो रही है इस जगह से, सही है, ये उल्टी ट्राइंगल को प्रिंट करवाने के लिए कोडिंग है, ये यहां आकर खत्म हो रही है, सही है। तो ये था आज का प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊं, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूं, सही, जारी सी बात है, यही बात होगी। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।